झारखंड में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार में 1.25 लाख शिक्षक नियोजन पर बड़ा फैसला आया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण मिलेगा। जी हां, 4% रिजर्वेशन। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको 4% आरक्षण मिलेगा। पटना हाईकोर्ट का ब्लाइंड एसोसिएशन केस में यह फैसला सामने आया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए समय मिलेगा। कोर्ट ने नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरी करने का भी आदेश दिया है। तो दो चीजें आई हैं इसमें से निकलकर सामने। एक तो ये साफ हो गया 4% आरक्षण होगा, और दूसरी बात ये कही गई है कि नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। सीधा रुक करते हैं, प्रीतम हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। प्रीतम, ये तो बात खास है ही कि 4% दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण बात है जब कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया नियोजन की जल्दी पूरी करें। जी बिल्कुल रविंद्र, दरअसल जब 2 साल पहले बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों का जो नियोजन होना था उसके लिए जब प्रक्रिया शुरू हुई तो कई जो मामले हैं, कई जो बाधाएं उसने पार की। अब जाके आज माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि 15 दिनों के अंदर जो है बिहार सरकार जो है अपनी जो शिक्षा विभाग है वो सारी जानकारी दे और ये बताए कि जो 4% जो दिव्यांगों के लिए आरक्षण है उसके आधार पर वो बहाली ले। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पिछले साल नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बिहार चैप्टर ने अर्जी दायर की और उसने कहा कि जो दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण होता है सरकारी नौकरियों में वो बिहार सरकार नहीं कर रही है। लिहाजा उसने एक अर्जी कोर्ट में दायर की और इस वक्त हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड जो है जो बिहार चैप्टर है उसके वकील जो सुरेंद्र कुमार सिंह है जिनकी अर्जी पे कोर्ट ने आज निर्णय दिया है वो हमारे साथ है। सर, कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है संक्षिप्त में बताएं कि कोर्ट ने क्या कहा बिहार सरकार से और अब आगे क्या होगा। देखिए, डिसेबल कैटेगरी को 4% आरक्षण डिसेबिलिटी एक्ट में सेंट्रल एक्ट के तहत मिला हुआ है। जी, बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन इस बहाली के लिए जारी किया उसमें जुलाई 2019 में ये नोटिफिकेशन निकला और नवंबर 2019 तक एप्लीकेशन देने का वो था। जी, एप्लीकेशन लिया गया, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि रोस्टर में कहीं पे भी ब्लाइंड कैटेगरी जो है एज ए क्लास बना करके नहीं दिया गया। ब्लाइंड को रिजर्वेशन मात्र उस कैटेगरी में दिया गया कि साहब SC ST OBC जनरल सबको दे दिए और उसी में रिमार्क कॉलम में लिख दिया कि ये ब्लाइंड का रहेगा, ये फिजिकली हैंडीकैप का रहेगा, ये फलना का रहेगा। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है उन्होंने ये नियोजन के लिए आवेदन दिया है, अब क्या माना जाए कि जो भी नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी वो अब पूरी हो जाएगी? क्या माना जाए कि 1.25 लाख जो नियुक्ति है वो हो पाएगी? क्या होगा? कोर्ट ने ये माना कि डिजेबल इज ए कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द गजट इशूड बाई द बिहार गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इशूड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने ये माना कि साहब बिहार सरकार के गजट के हिसाब से प्लस सेंट्रल एक्ट के तहत एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के तहत 4% आरक्षण में ब्लाइंड एज ए क्लास या कैटेगरी जो है बिल्कुल अलग रहेगी। जैसे SC ST एक कैटेगरी है, ST एक कैटेगरी है, जनरल एक कैटेगरी है, EBC OBC कैटेगरी है, वैसे ब्लाइंड भी एक डिजेबिलिटी भी एक कैटेगरी है। उसका अलग से आपको ईयर मार्क करके पोस्ट असाइन करना होगा। सर, ये आप कुछ मुझे लेटर दिखा रहे थे, ये लेटर क्या है हमारे दर्शक? हाँ, लास्ट चूंकि पूरे रोस्टर में कहीं इसका कोई जिक्र ही नहीं था तो हम लोगों ने कहा कि साहब इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करें, 15 दिन के अंदर ये स्पेशल नोटिफिकेशन निकालें कि साहब डिजेबल कैटेगरी का 4% पोस्ट ये है और जहां जिसका जिस यूनिट में जिस जिला में जिस पंचायत में आता है ये रीनोटिफाई करें और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट डिजेबल कैटेगरी के हैं वो अप्लाई करें और सबसेक्वेंट 15 दिन में आप सारा प्रोसेसिंग करके और रिजल्ट तो आपका सब तैयारी, आप रिजल्ट निकाल दीजिए। तो कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन आज के डेट में बिहार सरकार के द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार के द्वारा कोर्ट में दिया गया जो बिहार सरकार के ललित एडवोकेट जनरल ललित किशोर जी को एड्रेस्ड है। इसमें उन्होंने हम लोगों ने जो प्रपोजल दिया था कि इसको रेक्टिफाई करें इस मिस्टेक को, इन्होंने एक्सेप्ट किया और माना
और ये तय किया कि साहब 15 दिन का समय अलग से दिया जाए और ये अलग क्या मानते हैं कि शिक्षा विभाग ने अपनी गलती मान ली कि एग्जैक्टली बिल्कुल माना और उसको रेक्टिफाई करने के लिए दिया कि हम 15 दिन के अंदर अलग से नोटिफिकेशन पेपर में निकालेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज पंचायत वाइज जहां जहां मतलब यूनिट मेरा आता है वो निकलेगा अलग से लोग अप्लाई करेंगे जो अप्लाई किए हैं वो तो पहले से ठीक है लेकिन जो नहीं अप्लाई कर सके हैं वो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगा प्रीतम और हमारे साथ जो माननीय वकील साहब जुड़े जिन्होंने पूरी जानकारी दी आज के इस केस में आज के इस फैसले में उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।